हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी। आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ये मेरी उम्मीद है। अगर नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में आपको बेल आइकॉन भी मिलेगा, आप उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट 2। ओके, एंड आई विल ट्राई कि ये आज इसी वीडियो के अंदर कम्प्लीट हो जाए, बिकॉज वी हैव टू कम्प्लीट अराउंड 10,000 क्वेश्चंस बिफोर 20 जून। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs पर डे सॉल्व करने ही होंगे, तभी आपका नेट एंड GRF अचीव हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड अगर थक जाते हैं तो थोड़ा पॉज करके दोबारा से देख लीजिए, बट देखें पूरी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो मॉक टेस्ट 2 फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है लीगल एस्पेक्ट से, कि जो RTI एक्ट 2005 है वो कब आया था। तो डेट ध्यान रखिएगा, इट केम ऑन 12 अक्टूबर 2005। एंड मैं आपको ये जो सीरीज़ है जैसे 5th 6th, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लाइन वाइज ही पढ़ें, बिकॉज हमारा तो देखिए एम ये है कि हमें क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकें, ठीक है। एंड देखिए, जैसे अगर यहाँ पे तो दूसरे ऑप्शंस पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर दूसरे ऑप्शंस भी एक तरीके से आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तो आप उनके बारे में भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वो वीडियोस ख़त्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, अपना डाउट पूछें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वो आपका डाउट ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें तो देखिए कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि RTI एक्ट 2005 कब आया, तो 12 अक्टूबर 2005 को आया। ये लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड है एंड ये आपका अभी ऐड हुआ है। ओके, यूनिट नंबर 9 है आपकी। देन देखिए 5th क्वेश्चन, अगेन ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट सेकंड ही करके पढ़ें, तो हम ऐसे भी पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। जब हम RTI डालते हैं या RTI लगाते हैं, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है, तो कितने समय में वो इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो विद इन 2 डेज, 48 आवर्स के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। मतलब सिंपल है, आप RTI एक्ट 2005 के अंदर किस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते। आप लॉग बुक्स मांग सकते हैं, डाटा मटीरियल अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसे भी मांग सकते हैं, सर्कुलर्स को भी ले सकते हैं, लेकिन फाइल नोटिंग्स को आप नहीं ले सकते। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी कुछ भी आपको जैसे समझना हो कि फाइल नोटिंग्स ये सब क्या होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, आपके डाउट ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जैसे जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है कि उनको बहुत बार समझा दिया है, एंड कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा तो हो सकता है उसको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों, तो मुझे नहीं पता चल सकता ना जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप उसको पूछिए। देन देखिए, इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सॉर्ट फॉर, देन द मैक्सिमम टाइम कितना मिलेगा। अगर मान लीजिए ये दो पार्टी हैं, इनके अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी इन्वॉल्व है, उसका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो आपकी जो टाइम लिमिट होती है वो कितनी हो जाती है, 40 डेज, 40 दिन के अंदर अंदर। 40 आवर्स नहीं है, 40 डेज है। देन देखिए, द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़ इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेज अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट इज़ नोन एज। जस्ट इंफॉर्मेशन देख के RTI नहीं टिक करेंगे, बिकॉज आप देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर RTI है भी नहीं। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक ऑफिसर के बारे में पूछा गया है कि एक ऑफिसर है, उसको पब्लिक अथॉरिटी ने डेजिग्नेटेड दे दी, एक पोजीशन दे दी सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सभी ऑफिसेस के अंदर, कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सिटीजन्स को जो भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करता है। तो जब आप RTI डालते हैं तो आपको जो पर्सन है जिस जो उस डेजिग्नेशन पे है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसे कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो उस पर्सन को क्या कहा जाता है, PIO।
देन देखिए इफ द इंफॉर्मेशन इट इज नॉट एपीलेट अथॉरिटी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर. अब देखिए ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आप बाकी ऑप्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन से आप देखिए एक ऑप्शन से नहीं सीखते बल्कि चारों ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. तो इनके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा. देन देखिए इफ द इंफॉर्मेशन सॉट हैज been supplied by third party. अभी हमने किया था कि third party का अगर interest involved है तो कितने दिन के अंदर information देनी होती है, 40 days के अंदर. और is treated confidential by the third party must be given representation before the PIO in reply to the notice issued by him within dash days from the date of receipt of such notice. अगर third party involved है तो वो information तो 40 days के अंदर देनी होती है, लेकिन वो जो third party होगी वो PIO के सामने public information officer के सामने कितने मतलब उसको अपने मींस कब हाजिरी देनी होती है, एक तरीके से कब रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, जिस दिन से नोटिस इशू कर दिया जाएगा थर्ड पार्टी को उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो थर्ड पार्टी होगी उसे प्रेजेंटेशन देनी होगी, रिप्रेजेंटेशन देनी होगी. ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन कब तक मिलेगी, 40 डेज़ के अंदर. टाइम लिमिट क्या है, अगर आपको RTI एक्ट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी टाइम लिमिट होती है 30 डेज़, लेकिन अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो 40 डेज़. एंड थर्ड पार्टी को नोटिस इशू करने से कितने दिन के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, 10 डेज़. व्हाट इज़ द फ़ी, फ़ी कितनी है आपको पता होना चाहिए, फ़ी जो है वो इसकी बहुत ही कम है एंड ओनली ₹10. Now the first appeal to the first appellate authority can be preferred by the applicant within dash days from the expiry of the prescribed time limit or from the receipt of the decision from the PIO. अगर मान लीजिए आप applicant हैं, ठीक है, आपने क्या किया, PIO ने जो आपका public information officer था उसने आपके decision की receipt दे दी, ठीक है, मीन्स जो भी आपने उनसे मांगी थी इन्फॉर्मेशन वो रिसिप्ट उन्होंने आपको दे दी. अगर टाइम लिमिट अभी पूरा नहीं हुआ है या टाइम लिमिट अगर आपका जो टाइम लिमिट है, जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है, अगर वो पूरा हो गया मीन्स ख़त्म हो गया बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, नाउ यू वॉन्ट टू अपील, तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कितने दिन के अंदर अंदर अपील करेंगे, तो 30 डेज़ के अंदर आपको क्या करनी होगी, अपील करनी होगी. दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, जब PIO होता है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द PIO ने कोई डिसीजन दे दिया, ओके, एंड जो लिमिट थी वो ओवर हो गई, लिमिट के ओवर होने के बाद जो एप्लीकेंट है वो सबसे पहली बार अपील करना चाहता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, तो कितने दिन के अंदर अंदर अपील करेगा, 30 डेज़ के अंदर. देन फर्स्ट अपील शुड बी डिस्क्लोज बाय द फर्स्ट अपील. देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है कि डेट ऑफ रिसिप्ट जब आपको डिसीजन की मिल जाती है PIO से एंड एक्सपायरी डेट के ख़त्म होने के बाद जो फर्स्ट अपील होती है वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, जो फर्स्ट अपील है शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, वो भी 30 डेज़ के अंदर होती है. एंड जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उनको भी फर्स्ट अपील कब से डिस्पोज ऑफ करनी होती है, 30 डेज़ के अंदर अंदर. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे बाय है, यहाँ पर टू है, लेकिन आंसर आपके 30 डेज ही आएंगे. जो टर्म कंपनी है वो किस एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है, कौन सा एक्ट है जिसके अंदर डिफाइन की गई है, तो आपका एक्ट है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 प्रॉपर्टी. लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन आल्सो. ओके, इसका क्वेश्चन हमारे पास शायद बाद में आएगा, कोई बात नहीं. प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसको बिलोंग करती है, कंपनी को, शेयर होल्डर्स मेंबर्स और प्रोमोटर्स को बिलोंग नहीं करती. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, हाँ जी, एक क्वेश्चन था जो 2-3 पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी, उसके अंदर प्राइवेट जो कंपनी थी उसके मैक्सिमम मेंबर्स लिखे हुए थे 50, लेकिन अब ये चेंज हो गए हैं एंड अब कितने हो गए हैं, 200. तो एक एस्पिरेंट है जिन्होंने मुझे ये बताया, सो आई एम वेरी हैप्पी कि वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा जाता है. चाहे देखिए कोई, अगर कोई एक भी एस्पिरेंट अच्छे से देखता है ना वीडियो, तो मैं उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस बना सकती हूँ एंड बहुत सारे हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए मुझे इतना ही मोटिवेशन काफ़ी है.
एंड अगर सभी देख ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 7। सो आपका आंसर रहेगा 7। एंड प्राइवेट कंपनी में, हाँ जी देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मिनट। विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर, किस कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं? प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के, दोनों के, या नन ऑफ द अबव? तो ध्यान रखिए प्राइवेट कंपनी कैन ईजिली ट्रांसफर देयर शेयर्स, पब्लिक कंपनी के ट्रांसफरेबल नहीं होते। कितने प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं आपके? 2। एंड पब्लिक के अंदर 7। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम नंबर, ये देखिए ये वो क्वेश्चन आ गया है, ये भी थोड़ा इसके अंदर भी मिस्टेक ही है। तो जो आपके आंसर आएगा यहाँ पे भी 200 आएगा, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन देखिए द प्रिंसिपल टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, जो मेन इन्वेंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? रॉ मटेरियल्स, देन आपका क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि गुड्स इन प्रोग्रेस, एंड देन फिनिश्ड गुड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, देखिए पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने बताए अभी मैंने? 7। एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डरिंग लेवल, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि जब आपको ऑर्डर्स देने होते हैं तो सबसे अच्छा ऑर्डर क्या है कि ना ही हमारी इन्वेंट्रीज का स्टॉक बना रहे एंड ना ही रन आउट हो। तो अगर आपको दोबारा से रीऑर्डरिंग लेवल डिसाइड करना है तो आप मैक्सिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करते हैं उसके पीरियड से, यानी कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी। हाउ मेनी मंथ्स डिड द कंपनी कैन कंटिन्यू इट्स बिजनेस अंडर सेक्शन 45? सेक्शन 45 के अंदर जो कंपनी है वो कितने महीने तक अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है? तो 6 महीने तक चल सकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने एक पीरियड में कितनी इन्वेंट्री कंज्यूम की डिवाइडेड बाय आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड एंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपका आंसर क्या रह जाएगा? ए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड विद इन डैश डेज, कितने दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए? 120 डेज के अंदर अंदर। अगर रिसीव नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको जितना भी एप्लीकेशन बनी है वो वापस देना होगा। कितने दिन के अंदर अंदर? 10 दिन के अंदर अंदर। अकाउंट्स का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज अगर आपको निकालने होते हैं तो आप 365 से डिवाइड कर देते हैं किसको? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को। नाउ 25th, ये एक ऐसी टेक्निक है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की जिससे लो कैरिंग कॉस्ट होती है एज अ रिजल्ट ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी, लेकिन यहाँ पर पूछा है एक टेक्निक जिससे आप मटीरियल कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सबसे कम रखते हैं। तो आपका आंसर होगा जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम। ओके, देन देखिए 26th क्वेश्चन, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप स्टॉक कंट्रोल करते हैं, आपका टाइम भी बचता है, मैनेजमेंट का टाइम भी बचता है, क्योंकि अटेंशन जो है वो कुछ आइटम्स पे करनी होती है, सभी पर नहीं। तो उसे कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या आपका ABC एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, डैश ऑब्विएट्स द नेसेसिटी फॉर द फिजिकल चेकिंग ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ स्टोर्स एट द एंड ऑफ ईयर एंड देयर बाय अवॉइड डिसलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी चेकिंग जहाँ पर आप ये देखते हैं एंड ऑफ द ईयर में कि कितने आइटम्स आपके पास रखे हुए हैं एंड क्या क्या मतलब डिसलोकेशन है प्रोडक्शन की, ताकि ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन के लिए हमें इन्वेंट्रीज की, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत हो एंड हमारे पास वो है भी या नहीं है। सो फॉर दैट यू विल maintain your perpetual inventory system. देन देखिए डैश इज़ यूज प्राइमरली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स के लिए कौन सी एनालिसिस यूज होती है? येस, इट इज VED एनालिसिस। देन इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? अभी भी हमने किया था, वहाँ पे था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डैश। वहाँ एवरेज इन्वेंट्री लिखना था, यहाँ क्या लिखेंगे? इन्वेंट्री कंज्यूम। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला अभी हमने किया था। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपका रीऑर्डर पीरियड हो मल्टीप्लाई योर एवरेज कंजम्पशन। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, एवरेज कंजम्पशन नहीं है तो आपका आंसर देखिए सी ही रहेगा।
हाँ जी, नेक्स्ट देखिए द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ ए कंपनी। जब भी किसी कंपनी की ऑडिट होती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एरर्स एंड फ्रॉड्स को देखना, डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना। देखिए प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ऑडिटिंग का मतलब है कि भाई आप फाइंड करके देंगे, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज या अटेस्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंट। तो ये है आपका करेक्ट आंसर कि भाई वो कंपनी के अकाउंट्स की कितना क्रेडिबल है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, उसको अटेस्ट करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप आप याद रखिए, ये मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, एक बार और मैंने वीडियो के अंदर बताया था, जो मुनीम होते थे वो एक रेड कलर का रजिस्टर मेंटेन करते थे। तो जो कॉन्सेप्ट है स्टीवर्डशिप का, उसका मतलब क्या है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी के लिए, क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि कंपनी अपना टैक्स टाइम पर पे करे, क्या वो कंपनी के एसेट्स को सेफगार्ड करेंगे एंड शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर मैनेज करेंगे, या कोई भी फ्रॉड होगा या मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो उसके लिए वो रिपोर्ट करेंगे अथॉरिटीज़ को। तो आपका आंसर आ जाता है दैट दे बेसिकली सेफगार्ड द कंपनीज एसेट्स एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिए जो स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट है, हाउ इट कैन इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ सकती है कि आप कंपनी ने लॉ के अकॉर्डिंग काम किया या नहीं किया, कंपनी ने टैक्स पे किया या नहीं किया, ये सब काम नहीं होता, बल्कि आप एसेट्स को सेफगार्ड करते हैं एंड शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब का काम आपका स्टीवर्डशिप का नहीं होता। जो वाई डू ऑडिटर्स कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन मटीरियल आइटम्स इन अकाउंट्स, जो आपके अकाउंट्स होते हैं उसके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, मटीरियल जो चीज़ें होती हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनके ऊपर ही ऑडिटर क्यों कंसंट्रेट करता है, क्योंकि वो ईजी हैं? नहीं। क्या उनसे ऑडिट टाइम कम होगा? नहीं, बल्कि जो रिस्क होता है अकाउंट्स में वो इनकरेक्टली स्टेटेड इज ग्रेटर एंड डायरेक्टर्स हैव आस्क्ड फॉर इट। दिस कैन बी ट्रू, बट दिस इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी आंसर कि जो रिस्क होता है अकाउंट्स के अंदर कि भाई कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ऑडिटर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट थिंग्स पर ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करे अकाउंट्स की एक्यूरेसी के बारे में, इंटरनल कंट्रोल्स को इस्टेब्लिश करे, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखें, या फिर अपने इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस दें ऑडिटर को। तो कंपनी के डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल करना भी है, रिकॉर्ड्स रखना भी है, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन देना भी है ऑडिटर को, लेकिन शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना कि अकाउंट्स कितने एक्यूरेट हैं या नहीं, ये कंपनी के डायरेक्टर्स का काम नहीं है। देन देखिए इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, जो आपके IAS है उन्हें कौन इशू करता है? आपके ऑडिटिंग है ये, ठीक है, ऑडिटिंग है आपके, वो नहीं है सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, दीज आर द इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इनको आपका IAS भी नहीं इशू करेगा या IFRS से इशू नहीं होंगे, बट दीज आर इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स, दिस इज़ योर IAASB, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। जब भी एक ऑडिटर को प्रपोज किया जाए टू फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ही नॉट परमिटेड टू, अगर ऑडिटर को आपने मीन्स बोला कि भाई फॉर रिमूवल वी वॉन्ट एन रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, तो उसके लिए आप क्या मीन्स उसको परमिशन नहीं दे सकते हैं? सर्कुलेट रिप्रेजेंटेशंस कि वो मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन सेंड करें, कोर्ट में अप्लाई करें कि भाई प्रपोजल्स के लिए, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर बात करें, या नोटिफिकेशन रिसीव करें वेयर द रिमूवल इज़ प्रपोज्ड, तो वो सब काम कर सकते हैं लेकिन कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, टू हैव द प्रपोजल रिमूव्ड, दे कैन सर्कुलेट द रिप्रेजेंटेशंस टू द मेंबर्स, वो बात कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं लेकिन कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की क्या ड्यूटी नहीं होती कि वो कंपनी के बैंकर्स के बारे में रिपोर्ट दे, मेंबर्स के बारे में डेटा है, ऑडिट रिपोर्ट को साइन भी करता है, कोई लॉ वायलेट हो जाता है उनको भी बताते हैं, लेकिन कंपनी के बैंकर्स को कोई रिपोर्ट नहीं देते। तो आंसर इज ए।
नाउ ये अज्यूम कीजिए, अज्यूम दैट इट इज़ नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की पहली अपॉइंटमेंट नहीं है, तो फिर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, मैनेजिंग डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर्स इन अ बोर्ड मीटिंग, या फिर द ऑडिट कमेटी? तो ध्यान रखिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी अपॉइंटमेंट के लिए, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए। जो आपके इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ है, किसने उनको अपॉइंट किया है? अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई कौन अपॉइंट करता है उन्हें, शेयर होल्डर्स, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे पहले किसकी तरफ बनती है, शेयर होल्डर्स की तरफ। ऑडिटर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? जब तक कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ओके, ऑडिट कंप्लीट होने से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होने से, डायरेक्टर्स रिमूव देम, दिस आर नॉट द केसेस, बट अंटिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यस दिस इज द नंबर ऑफ दिवाकर सर, इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज दिज एमसीक्यूज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हिम और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग में क्या ज़रूरी नहीं है? बैकग्राउंड यानी कि इंडस्ट्री, प्रीवियस ईयर ऑडिट, कंसिडरिंग द वर्क टू बी डन बाई द क्लाइंट ऑफिस, या कंसिडरिंग वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो आर ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप बैकग्राउंड देखेंगे, प्रीवियस ईयर ऑडिटेड भी देखते हैं क्योंकि प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग, एंड आप ये भी देखते हैं कि क्लाइंट स्टाफ इंटरनल ऑडिट क्या है, बट ये कंसीडर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगी वो ट्रू एंड फेयर व्यू ही दिखाएंगी, ये सही नहीं है। सो डी इज़ द रॉन्ग आंसर, मीन्स करेक्ट आंसर। ऑडिट रिस्क इज कम्पोज ऑफ थ्री फैक्टर्स, ऑडिट रिस्क के अंदर आपके थ्री फैक्टर्स आते हैं, क्या नहीं आता? ऑडिट रिस्क में आप डिटेक्ट करते हैं, इनहेरेंट रिस्क आता है, कंट्रोल रिस्क आता है, लेकिन कॉम्प्लायंस रिस्क ऑडिट रिस्क के अंदर नहीं आता, तो आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ अ सेल्स सिस्टम, सेल्स सिस्टम के लिए आप कस्टमर से ऑर्डर भी लेते हैं। ओके, मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सेल सेलिंग हैव अ बिग डिफरेंस, गुड्स को डिस्पैच करते हैं, कस्टमर्स का इनवॉइस बनाते हैं, सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, डेटर्स मीन्स एसेट्स को नोट डाउन करते हैं, बट सेल्स सिस्टम में मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी। विच शुड नॉट बी कंसिडर्ड एट द प्लानिंग स्टेज, जब आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको ऑडिट का टाइमिंग देखना चाहिए, लास्ट ईयर का रिजल्ट्स भी देखने चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी ऑब्टेन करनी चाहिए, बट एनालिटिकल रिव्यू इज नॉट नेसेसरी। एट द प्लानिंग स्टेज यू वुड नॉट कंसिडर, प्लानिंग स्टेज में आप क्या कंसिडर नहीं करते? टाइमिंग कंसिडर करते हैं, लास्ट ईयर ऑडिट कंसिडर करते हैं, अपने इंटरनल ऑडिट का पोटेंशियल यूज़ भी कंसिडर करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो इन्वेंट्री के जो करेक्शंस हैं वो हैव बीन इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो आप ये आप ऑडिटिंग का टॉपिक है, ऑडिटिंग अभी न्यू ऐड हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेप्टेड मेथड ऑफ सिलेक्शन इन सैम्पलिंग, जब आप सैम्पलिंग लेते हैं, सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, तो इसमें से कौन सा मेथड नहीं है? सिस्टमैटिक मेथड है, रैंडम भी है, हैफजर्ड भी है, परवेसिव इज नो मेथड, सो आपका आंसर रहेगा बी। सेंसस एंड सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वी हैव डिस्कस इन वेरी वेरी डीप। Now, which of the following are you unlikely to see in the current file of auditor's working paper? Auditor के working papers में आप क्या नहीं देखते हैं? You unlikely to see in the current file. Planning memorandum देखते हैं, unadjusted errors की summary भी देखते हैं, जितना work done है वो भी देखते हैं, but आप MOA and AOA इसके से related video भी है channel पे, आप उसे भी watch कर सकते हैं। जो आपका ISA है 500, वो स्ट्रेंथ बताता है ऑडिट एविडेंस की, कि भाई कोई भी ऑडिट एविडेंस कितना मजबूत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कॉम्पिटेंस होना ज़रूरी नहीं है, सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक्सटेंसिवनेस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा अच्छा पॉइंट आपका बी है कि सफिशिएंट होने चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ अ परचेजेस सिस्टम. परचेजेस सिस्टम में ऑर्डर प्लेस करना ज़रूरी है, इनवॉइसेस लेना वो भी ज़रूरी है, गुड्स रिसीव करना वो भी ज़रूरी है, बट द डिसीजन एट द बोर्ड लेवल ऑन वेदर टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोर्ड लेवल का डिसीजन कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करें या ना करें, दिस इज़ नॉट नेसेसरी. Then which of the following is normally the most reliable source of audit evidence? Audit evidence के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे most reliable source क्या है जिसपे ऊपर आप depend रह सकते हैं? Is it internal audit, supplier's statement, board minutes या analytical review? So it is your supplier's statements, they are the most reliable evidence of auditing. Hello everyone, welcome to free study. We have discussed 89 questions of mock test 1. Now this is the third part and the last part of mock test 1. After this we will start from mock test 2. Now the basic point which I would like to tell you that crash course will surely cover your 10,000 questions, because we are going to increase the number of questions day by day in each and every video, and at the same time we would upload more and more videos, but believe us that your 10,000 questions will surely be covered, but only for those who have joined the course. And how can you join the course? You just have to simply send your name and your phone number to the email address, which you can easily find in the description box. Now let's start. So 90th question is, under which of the following legislations there is a provision called protected workman? Kis legislation ke andar ye jo provision hai protected workman ye aapko kahan milta hai? Is it in Trade Unions Act 1926, Industrial Employment Act 1946, Factories Act 1948 या फिर Industrial Disputes Act 1947? तो आंसर आप सभी के सामने है ही, आपको विजिबल भी होगा दैट इसका आंसर डी है, जो Industrial Disputes Act 1947 है उसके अंदर आपको प्रोटेक्टेड वर्कमैन का प्रोविजन देखने को मिलता है. एंड दिस इज़ नॉट इन योर लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ये नहीं है. ओके, देन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है उसके जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, मीन्स इंडस्ट्रीज में देखिए काफ़ी तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसके लिए सेटलमेंट करनी होती है. तो जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन उस मशीनरी के अंडर नहीं आता है? तो आपका जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है वो भी आता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन भी आता है, लेबर कोर्ट भी आता है, बट कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं आता. कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? जब आपके जो लेबर होती है एंड जो मैनेजमेंट होती है वो मिलकर नेगोशिएशन करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि क्या किसी की सैलरी रहेगी, क्या बोनस रहेगा. सो ऑल दोज आर इशूड अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग का आपका डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में ये नहीं आता. वन थिंग मोर, दीज आर द मॉक टेस्ट विच आई हैव टेकन फ्रॉम दिवाकर सर. इफ़ यू टू वॉन्ट टू परचेज दिस देन यू कैन सिंपली राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, देन यू विल बी गिवन अ नंबर एंड बाई कॉलिंग ऑन दैट नंबर यू कैन ईजिली गेट दिस PDFs. देन देखिए, अंडर विच स्केड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैव बीन लिस्टेड आउट. जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है उसके किस शेड्यूल के अंदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में लिखा है? तो ये आपका लिखा है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर. Which of the following statements about the definition of industry, जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 उसके अंडर आपको डेफिनेशन मिलती है इंडस्ट्री की, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट कौन कौन सी हैं? देखिए, इंडस्ट्री का क्या मतलब बताया हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में, कि कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग या कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स. सो इंडस्ट्री डेफिनेशन मीन्स कोई भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स या एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वुमेन. देन द डेफिनेशन हैज़ बीन डिवाइज्ड इन 1982 एज इन लीडिंग केस ऑफ 1978.
तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं दीज ऑल आर ट्रू, सिर्फ ट्रू क्या नहीं है, दैट द रिवाइज डेफिनेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशन. तो ये पॉइंट आपका करेक्ट नहीं है, बाकी सभी करेक्ट हैं कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड हो सकता है, कोई भी सर्विस, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है. एंड ये जो डेफिनेशन है इसको 1982 में क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था, लेकिन जो रिवाइज डेफिनेशन है हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ड्यू नोटिफिकेशन, दिस इज नॉट राइट. नाउ द फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो इज़ द प्रिंसिपल ऑफ, जैसे आपका लीफो फीफो मेथड होता है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है. जो पहले आया है वो बाद में जाएगा, जो बाद में आया है वो पहले जाएगा. तो ये किस चीज़ का प्रिंसिपल है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेंचमेंट. ओके, प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेंचमेंट. देन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. अभी हमने किए थे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए क्या मशीनरी नहीं थी. ओके, एंड मैं अब दोबारा से आपको वो क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी. देखिए, ये हमने किया था ना कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ नॉट द मशीनरी, ये क्वेश्चन था दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मशीनरी. तो आपकी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होता है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन होता है एंड लेबर कोर्ट होता है, बट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द बार्गेनिंग बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट. नाउ इसमें पूछा है कौन सा मशीनरी है. अब देखिए, इंडस्ट्रियल लेबर कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी नहीं होती है, स्टैंडर्ड लेबर कमिटीज़ भी नहीं होती, बल्कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उन तीनों के साथ आएगी जो अभी हमने ऊपर तीन पढ़े हैं, एंड ये प्लस वन. तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर भी मशीनरी को ही कंसीडर किया जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भी, फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. नाउ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 का, उसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो क्या है, क्या वो, देखिए सभी जो है, क्या अवार्ड का मतलब ये है, नॉट इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोर्ट, ये भी आपका गलत है, नो आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये भी आपका गलत है, नो फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोर्ट, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, नो फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10A, ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. सो आपका आंसर आएगा डी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही अवार्ड्स के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते. देन देखिए, ग्रीवियंस हैंडलिंग मशीनरी इज गिवन इन, जो आपका ग्रीवियंस हैंडलिंग मशीन है वो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में ही दिया जाता है, ठीक है. ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में आप सभी को पढ़ाया गया है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपके वो डाउट सॉल्व किए जाएंगे. ओके, तो पहले आप अपने डाउट्स ज़रूर बताएं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड. देन देखिए, द डिस्प्यूट ऑफ इंडिविजुअल वर्कमैन इज डीम्ड टू बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इफ द डिस्प्यूट ऑफ द डिस्प्यूट और डिफरेंस इज कनेक्टेड विद और अराइजिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग वेयर नो अदर वर्कमैन नॉर एनी यूनियन ऑफ वर्कमैन इज पार्टली टू द डिस्प्यूट. नाउ देखिए, इस पॉइंट क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी कोई पर्सन है, अगर उसका डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर किया जाएगा, कब, अगर जो डिस्प्यूट है या जो डिफरेंस है वो किस वजह से हो रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन बेसिक रीजंस की वजह से, जहाँ पे कोई दूसरा वर्कमैन या कोई दूसरा यूनियन ऑफ वर्कमैन पार्टली ही है डिस्प्यूट के, मींस किन बेसिस पे आप इंडिविजुअल वर्कमैन के डिस्प्यूट को कंपनी के डिस्प्यूट कंसिडर करते हैं. देखिए, कब कंसीडर किया जाता है, जब इंडिविजुअल वर्कमैन के ग्रीवेंसेज हों, डिस्चार्ज हों या डिसमिसल हों या ये सभी हों. तो डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, इन सभी के बेसिस पे, ऑप्शन नंबर 4 के बेसिस पे जो इंडिविजुअल वर्कमैन का डिस्प्यूट होता है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर किया जाता है. तो ये सभी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 से क्वेश्चन हैं. देन देखिए, लैक ऑफ लिस्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स वॉज इंक्लूडेड इन, जो आपकी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जैसे लेबर से ज़्यादा काम करा रहे हैं, ओके, उन्हें जो सैलरी है या जो वेजेस है वो कम दिए जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उनके साथ अनफेयर की जाती हैं ड्यू टू
कौन करता है, ट्रेड यूनियंस या एम्प्लॉयर्स। तो मीन्स कैसे पता चलेगा कि कौन सी लेबर प्रैक्टिसेस अनफेयर है, तो उसकी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, उसकी लिस्ट आपको मिलेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। देन देखिए आपको मैच करना है फॉलोइंग को, आप ये शेड्यूल्स हैं, इस फर्स्ट शेड्यूल अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेट करता है अभी मैंने आपको बताया था। देखिए मैं आपको दोबारा से वो क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी, इसीलिए हर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो होती हैं वो किससे रिलेट करती हैं, फर्स्ट शेड्यूल से। अब जब आप मान लो ये 92 क्वेश्चन पढ़ते हो, आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, तो जैसे भाई जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये सब जो कोर्सेज हैं हम पहले ही करा चुके हैं एंड हमने काफ़ी सारे MCQs ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन जो YouTube पे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। अब जैसे देखिए आपको इसका फर्स्ट आंसर पता चल गया, तो आप साथ ही साथ में अपने साथ बुक रखिए, बुक नहीं है तो आप जैसे बुक के पेजेस नहीं सर्च करना चाहते हैं तो आप अपने पास अपना फ़ोन रखिए, नेट रखिए एंड ओपन कर लीजिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट सेकेंड शेड्यूल किससे रिलेट करता है, थर्ड किससे रिलेट करता है, फोर्थ किससे रिलेट करता है। तो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उनके आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो अब आपको काफ़ी सारे स्केड्यूल क्या करने हैं, मैच करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो आपको क्लिक इसको देखते ही कर जाना चाहिए कि जो फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड था, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से ना, तो फर्स्ट का आंसर तो फोर्थ ही हो गया। अब देखिए ए का आंसर फोर्थ कहाँ है, सॉरी ए का आंसर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से था, लेबर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से नहीं, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो ए का आंसर क्या हो गया आपका, सिंपल थर्ड हो गया। अब ए का थर्ड देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में, तो आंसर इसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन देखिए हमने पढ़ा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो लिस्ट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर होती है, लेकिन किस शेड्यूल के अंदर होती है, वो होती है आपकी फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर। तो आप ध्यान रखिए लेबर एंड फिफ्थ। देन देखिए सेकेंड एंड थर्ड स्केड्यूल आपके किससे रिलेट करते हैं, लेबर कोर्ट से एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से। एंड जो आपका फोर्थ स्केड्यूल है वो रिलेट करता है कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन। तो याद रह गए होंगे, अगर नहीं है तो आप इनको कहीं पे लिख लीजिए। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट शेड्यूल आपका रिलेट करता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से, सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल आपके रिलेट करते हैं लेबर कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से, फोर्थ शेड्यूल आपका रिलेट करता है उन कंडीशन से जो कि सर्विस ऑफ चार्ज में जो भी चेंजेस आए हैं उसका नोटिस देना होता है, किस कंडीशन में नोटिस देना है, एंड फिफ्थ इज रिलेटेड टू योर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए इस मॉक टेस्ट के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर लॉ, मींस लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा इंडस्ट्री का एक्शन है जो वो नहीं ले सकते, जिसे इलीगल कंसीडर किया जाता है। म्यूचुअल इंश्योरेंस कर सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, लॉकआउट स्ट्राइक्स हो सकती हैं, बट घेराव इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, ये इलीगल है। देन देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर किस चीज़ को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं माना जाता, जब एम्प्लॉयर अपने प्रोमिसेस को फेल करने, मीन्स उनको बनाए रखने में फेल हो जाए, ठीक है, तो ये क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। व्हेन क्लोजर इज अ प्रीटेंस, व्हेन डिमांड मेड फॉर ऑल्टरेशन ऑफ अ कंडीशन, देखिए जब लॉकआउट हो जाती है, क्लोजर हो जाती है, जब एम्प्लॉयर अपनी बात नहीं रख पाता है तो उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर जैसे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अगर डिमांड की जाती है कि आप हमारी जो सर्विस है एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर वो होता है जो सर्विस देता है, एम्प्लॉय वो होता है जो सर्विस करता है, तो अगर एम्प्लॉयज़ अपनी कंडीशंस को ऑल्टरेशन कराना चाहते हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो ये कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि अभी उन्होंने लॉकआउट के स्ट्राइक्स नहीं की हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रीवियंस रेड्रेसल मशीनरी गिवन अंडर द इंडस्ट्रीज नॉट ट्रू, जो आपकी ग्रीवियंस रेड्रेसल मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग क्या सही नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री हो अगर उसके अंदर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन हैं तो वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी होगी, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी
हो सकती है. ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी कैन रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट अरेजिंग इन द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट. ये गलत है. देखिए, आप जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी है वो कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इट इज़ अ बाईपार्टाइट कमिटी विद इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. क्योंकि यहाँ पर वर्कमैन भी उतने ही चाहिए, एम्प्लॉयर्स भी चाहिए, एंड 45 डेज का जो लिमिट टाइम होता है वो देना होता है इन अ रिटन एप्लीकेशन टू कम्प्लीट द प्रोसीडिंग्स. तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी के पास से शिकायत दर्ज की जाती है वो रिजॉल्व नहीं कर सकती है. जो ऑनगोइंग ग्लोबलाइजेशन है इंडिया के अंदर, काफ़ी सारी चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर. एंड विच ऑफ द लेबर लेजिस्लेशंस, किस लेजिस्लेशन के अंदर ये आता है? तो ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं लेबर लेजिस्लेशंस के अंदर. तो ये सभी क्वेश्चंस आपके मैंने जानबूझ के इसी मॉक टेस्ट के अंदर कंसीडर कर लिए, तो क्योंकि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट. तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी. वन थिंग मोर, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको सिलेबस में स्पेसिफिकली कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा. एक दो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछी जाती हैं, एंड आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, वो उसको सब पार्ट कुछ कुछ करके मीन्स उसको इंक्लूड ही कर लेते हैं, मान ही लेते हैं. तो इसीलिए वी हैव टू कंसीडर द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, ज़रूर सॉल्व किया जाएगा. थैंक यू. देखिए, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब की एनालिसिस एंड डिज़ाइन किया जाता है, मोटिवेशन कम्युनिकेशन भी पार्ट है, ओके, एंड सेफ्टी एंड हेल्थ रखना भी पार्ट है, बट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, इट इज़ जस्ट अ मिनट, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप. हाँ जी, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ HRM. सो आपका आंसर रह जाएगा डी. देन देखिए, विच ऑफ दीज इज़ अ HR मॉडल. HR मॉडल में आपका कौन सा मॉडल आता है? द गेस्ट मॉडल इज़ द आंसर. इनके बारे में आप पढ़िएगा, MC ग्रीगोर थ्योरी, थ्योरी X, थ्योरी Y, ओपन सिस्टम थ्योरी, बहुत ईजी है. कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, पहले मैं आपको 57 क्वेश्चन कराती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स. नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स कौन होते थे? ट्रेडिशनल मतलब जैसे पहले होते थे ना, जैसे हॉकर्स वगैरह हो गए. तो आपके कौन से नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स के अंदर आते हैं? कॉन्टिंजेंट वर्कर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, पीपल वर्किंग इन ऑल्टरनेटिव, पीपल विद मल्टीपल जॉब्स, ये सभी आज के ही टाइम के वर्कर्स हैं. तो आपके आंसर सभी आएंगे. सो ABCD इज द आंसर. सो डी आपका आंसर रहेगा. देन विच ऑफ द टास्क रिलेटेड टू रिक्रूटिंग एंड हायरिंग इज नॉट टिपिकली हैंडेड बाय HR स्टाफ. कौन सा ऐसा टास्क है जो HR स्टाफ के हायरिंग एंड रिक्रूटिंग से रिलेटेड नहीं है? स्पेसिफाई नेसेसरी जॉब क्वालिफिकेशंस. देखिए, HR का काम होता है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को लेके आना, उनका इंटरव्यू करना, टेस्ट कंसीडर करना, बेनिफिट पैकेजेस बताना, लेकिन वो जॉब क्वालिफिकेशंस के बारे में स्पेसिफाई करना इतना ज़रूरी नहीं होता. ठीक है, इस मीन्स ये टास्क जो है ये टिपिकली HR स्टाफ हैंडल नहीं करता. देन देखिए, द एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बिकम इंडिस्पेंसेबल विद. जो आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसकी जो एक्सपर्टाइज है कि भाई वो परफेक्ट हों, वो किस चीज़ से रिलेट करता है? कि वो एम्प्लॉयमेंट लॉज को इंट्रोड्यूस करें, इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉज पास करें, इंक्रीज ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स. दिस इज़ नॉट द पॉइंट. फर्स्ट एंड सेकेंड आपके करेक्ट होंगे. सो डी इज़ द आंसर. ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आपको बाकी जो पॉइंट्स हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं, उनको भी कंसीडर करना चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए.
देन देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजर. ह्यूमन कैपिटल मैनेजर का क्या रोल है? अनलर्न ओल्ड स्किल्स एंड एक्वायर न्यू स्किल्स, कि भाई पुरानी स्किल्स को भूल जाओ एंड न्यू स्किल्स एक्वायर करो. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजर का. उन्हें फाइन ट्यून एचआर पॉलिसीज बनानी चाहिए एंड प्रैक्टिसेस टू फिट द कल्चर, कल्चर को फिट करे. ओके, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड और अ डिसेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट. तो देखिए जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजर है, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि आप ये न्यू क्वेश्चन है इसको सीख जाओ, तो क्या मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो पुराना जो भी है उसे भूल जाओ? अब ज़रूरी तो नहीं है ना, नई चीज़ सीखने के लिए पुराने को भूलना ही पड़े. तो आपका जो पॉइंट है यहाँ पर वो इस तरीके से आपको कंसीडर करना होगा कि भाई जो ये नई चीज़ है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है. अगर आप टाइपराइटर सीख रहे हैं, अगर आप लैपटॉप चलाना सीख जाएंगे तो आपको टाइपराइटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो आपने देखा होगा कि क्लासेस के अंदर काफ़ी जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि पुराना सब भूल जाओ नया सीखो. तो ये भी आपका इसी से रिलेट करता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी स्किल्स हैं, ह्यूमन कैपिटल मैनेजर को उन्हें इन्फ्लुएंस करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना ही मना करें, चाहे कितनी ही रिडंडेंसी दिखाएं, लेकिन उनको पुरानी स्किल्स भुलवा कर नई स्किल्स सिखानी ही पड़ती है. उन्हें एचआर पॉलिसीज अच्छे से एंड इस तरीके से प्रैक्टिस करानी होती है, इस तरीके की प्रैक्टिसेस ऑप्ट करनी होती हैं जो उनके कल्चरल एनवायरनमेंट को सूट करे. लेकिन ये किसी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है. तो आपका आंसर ए एंड बी करेक्ट है. तो आपका आंसर होगा सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देन देखिए most people dash refers to the tendency of firms to extend their sales ownership and manufacturing to new markets abroad. एक ऐसी tendency firm की कि वो अपनी sales ownership and नई markets abroad में बनाए, तो उसे कहते हैं globalization. globalization means integrate करना अपनी economy को world की economy से. अब देखिए ये वाला question, most people who are क्लासीफाइड एज नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स, जो मोस्ट पीपल हैं नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स के अंदर कौन आते हैं? कॉन्टिंजेंट वर्कर्स आते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, जॉब शेयरिंग या वर्किंग मल्टीपल जॉब्स. तो अभी हमने पढ़ा कॉन्टिंजेंट वर्कर्स नॉन ट्रेडिशनल के अंदर हैं, जॉब शेयरिंग भी आपके, वर्किंग भी, ये आपके सब नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स के अंदर हैं. तो आपके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स इसके अंदर नहीं आते. ठीक है, मोस्ट पीपल हु आर क्लासीफाइड एज नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स, तो ये आपके क्या आएंगे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. हाँ जी, देखिए यहाँ पे बोला हुआ क्लासिफाइड एज नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स. तो नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स के अंदर जो मोस्ट पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा किस में आते हैं? आपके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर आते हैं. अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. जो 56 एंड 57 क्वेश्चन हैं, कॉन्टिंजेंट वर्कर्स हो गए. ओके, पार्ट टाइम वर्कर्स के बारे में तो इतना खैर नहीं जानना. पीपल विद मल्टीपल जॉब्स इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी. कॉन्टिंजेंट वर्कर्स के बारे में आप ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा. साथ में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में भी देखते हैं कौन इसका आंसर सही देता है. एंड इस क्वेश्चन में आप 56 एंड 57 के अंदर आप थोड़ा सा एक ट्रिकी है ये. 56 में भी ये पूछा है कि कौन से नॉन ट्रेडिशनल वर्कर में क्लासिफाइड हैं, एंड 57 में भी ये पूछा गया है कि कौन से नॉन ट्रेडिशनल वर्कर की टाइप में क्लासिफाई है. अब आप मुझे बताइएगा कि इनके दोनों के आंसर सही हैं या गलत हैं. सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये आपका टास्क है. 56 क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, बताइएगा कि कहीं ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है, क्या यहाँ पर नॉट तो नहीं आना चाहिए. क्वेश्चन को समझिए मेरे को. अब देखिए 59 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? कि आप लोगों को बोलें कि आइए हमारी जॉब में अप्लाई करें. तो इसमें से क्या पर्पस है? मेक श्योर कि मैच रहे कॉस्ट एंड बेनिफिट में. ओके, हेल्प इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ विजिबली अंडर क्वालिफाइड एंड ओवर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स. ऐसे लोग जिनके पास ये तो पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है या हद से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसके थ्रू सक्सेस रेट को इंक्रीज किया जाए. या हेल्प द फर्म
क्रिएट मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स, एक ऐसा वर्कफोर्स बनाएं जो कल्चरली काफ़ी डाइवर्सिफाइड हों, अलग अलग कल्चर्स के हों या नन ऑफ द अबव। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए दोबारा से। रिक्रूटमेंट का पर्पस यही होता है कि आपको ये देखना है रिक्रूटमेंट के बाद, जैसे आपकी ट्रेनिंग आती है, सिलेक्शन आता है, तो दो तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब होता है जब आप अपनी कंपनी के बंदों को, अपनी कंपनी के पर्सन को जैसे प्रमोशन दे देते हैं, एंड एक्सटर्नल होता है जब आप बाहर से पीपल को बोलते हैं कि आइए एंड हमारी कंपनी के अंदर क्या कीजिए, आप अप्लाई कीजिए। तो इसके अंदर जो मेन पर्पस है रिक्रूटमेंट का, वो कॉस्ट एंड बेनिफिट से रिलेट नहीं करता, वो सिलेक्शन करना चाहते हैं, प्रोसेस है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस में ये हेल्प करती है। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होता है, तो रिक्रूटमेंट हेल्प करती है किसको, सिलेक्शन प्रोसेस को, जिसके थ्रू आप अंडर क्वालिफाइड एंड ओवर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स की, एक तरह से बोलते हैं ना छटनी करना, वो करके फिर आप बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पुअर क्वालिटी है सिलेक्शन की, उसका मतलब क्या होगा कि भाई एक्स्ट्रा खर्चा आएगा आपका किस पे, ट्रेनिंग पे, क्योंकि अगर आपने गलत पीपल को सिलेक्ट कर लिया तो आपका ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है, क्योंकि रिक्रूटमेंट पहले से ही हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। Which of the following is not the method of three fundamental methods of firm valuation? Discounted cash flow is a method of फर्म वैल्यूएशन, इनकम एंड अर्निंग्स भी है, बैलेंस शीट भी है, मार्केट शेयर, मार्केट शेयर से आप वैल्यू ऑफ फर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म यूजुअली बेस्ड ऑन, फर्म की वैल्यू इक्विटी पर ही बेस्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट टू बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि जब आप उसकी स्टॉक मार्केट वैल्यू को डिवाइड करें किससे, नेट एडेड वैल्यू से। तो ध्यान रखिए ऊपर मार्केट है तो ऊपर स्टॉक मार्केट आएगा, नीचे बुक वैल्यू है तो आपकी नेट एडेड वैल्यू आएगी, ठीक है। तो नेट एडेड वैल्यू बाय स्टॉक नहीं होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल अपॉन इनटेंजिबल नहीं होगा, इनटेंजिबल नहीं होगा, बल्कि स्टॉक मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नेट एडेड वैल्यू। 67 क्वेश्चन हमें यहाँ पढ़ना होगा। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन का क्या मतलब होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब आपने हाइपोथेसिस, पहले हम स्टेट करते हैं हाइपोथेसिस को, अल्टरनेट नल देखते हैं, टाइप वन टाइप टू एरर देखते हैं, तो इसका मतलब होता है आपने एक अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना एंड दूसरे को रिजेक्ट करना, यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है, कल भी मैंने बताया था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अगर जीरो होता है तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यूज होता है, लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप क्या देखते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो से, बिजनेस फाइनेंस से हैं, एंड हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्पोरेट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स या फिर स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स की आएगी बात, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की। जो बुक वैल्यू होती है एसेट्स की, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सभी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न जिससे आप फ्यूचर के जो कैश फ्लो हैं एंड जो आपके कैश इनफ्लो हैं, जो कैश आउटफ्लो हैं, आप डिस्काउंट करते हैं कि आपके जो इनफ्लो हों वो आउटफ्लो के बराबर हो जाएं, उसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देन देखिए 70 क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। 69 अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी को आप कैसे रिवैल्यूएट कर सकते हैं, ओके इस ये जो क्वेश्चन है, पहले 72 देखिए, लिस्टेड कंपनीज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यू, तो आपका आंसर क्या रहेगा सेकंड। इसके जो क्वेश्चन है वो हल्का सा आई थिंक प्रिंट में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अनलिस्टेड कंपनी के लिए नेट एसेट मैथड, लिस्टेड कंपनी के लिए आपका मार्केट वैल्यू मैथड। अगर नहीं समझ में आ रहा हो स्लाइड के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। अब आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे, ये आपका लंग कैपेसिटी वाला उसी से लिंक करेगा। द सिनारियो अप्लाइज टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक स्टडी की गई जिससे कंपेयर किया गया लंग कैपेसिटी को, भाई जो कोल माइनर्स हैं एंड जो फार्म वर्कर्स हैं, एंड रिसर्चर्स ने कहा कि 200 वर्कर्स हैं, मीन्स 200 वर्कर्स को मैंने पढ़ाया है, 200 फार्म वर्कर्स को एंड 200 कोल माइनर्स को।
जो दूसरे फैक्टर्स हैं भाई, लंग कैपेसिटी को भाई, स्मोकिंग हैबिट्स हो सकती है किसी की, एक्सरसाइज हैबिट्स हो सकती है, उसकी वजह से भी लंग कैपेसिटी अफेक्ट होती है। जो स्मोकिंग हैबिट्स है वो टू वर्कर टाइप्स के सिमिलर है, लेकिन कोल माइनर्स जो हैं वो जनरली सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, इज इट एक्सरसाइज, इज इट लंग कैपेसिटी, स्मोकिंग और ऑक्यूपेशन। तो कौन सा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है? देखिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यही है जो मेन पॉइंट है कि भाई आप फार्म वर्कर्स हैं, आप फार्म में काम कर रहे हैं या कोल माइनर्स हैं, तो ये आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रहेगा, मीन्स डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या है? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल आपका क्या है? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल इज योर एक्सरसाइज। लंग कैपेसिटी तो देखिए आपकी डिपेंड कर रही है ना, स्मोकिंग, ऑक्यूपेशन, दीज आर द अदर फैक्टर्स, जो आपके स्मोकिंग है हो गए, ठीक है, एक्सरसाइजिंग हैबिट्स हो गई, ओके, ऑक्यूपेशन हो गई आपकी, कि आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन तो खैर आपकी जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वही है। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल के बारे में अगेन आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा क्या कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल होती है, इसे लेट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं आपके लिए इसके लिए कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर मैं आपको इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को या किसी और क्वेश्चन को लेकर अच्छे से समझाऊंगी कि कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल एंड आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3-5 के लिए ये एक पैराग्राफ गिवन है कि एक रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट हुआ है जो कि पार्टिसिपेंट के लिए किया गया है कि भाई आप एक हफ्ते में 3 बार आधे आधे घंटे के लिए घूमें एंड कुछ टाइम के लिए क्या करें, बैठ के बुक पढ़ें। एट द एंड ऑफ ईयर जो भी उनका ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज आएगा वो मेज़र किया जाएगा एंड चेंज कंपेयर किया जाएगा फॉर द टू ग्रुप्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट रेदर देन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, स्टडी नहीं की गई। वाई? बिकॉज क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन किया गया है ना, वो खुद से नहीं चूज कर रहे हैं, उनको बोला गया है कि या तो आप वॉक कीजिए या रीड कीजिए, तो हमने रैंडम सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स को नहीं लिया है। एंड ब्लड प्रेशर क्वेश्चन को ये समझने, ये वाले क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए हैं हमने, एंड अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, क्योंकि जो हमने पहले भी समझाए थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी, तो प्रॉब्लम आना इज़ नॉट अ बिग थिंग, सभी को आती है, फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उसको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। द टू ट्रीटमेंट्स इन दिस स्टडी, इसके अंदर क्या है, टू ट्रीटमेंट्स की आपको या तो हफ्ते के 3 दिन में आधे आधे घंटे वॉक करना है या रीड करना है, तो पहला ही आंसर हो जाता है आपका करेक्ट, ठीक है। देन देखिए 5th क्वेश्चन, इफ अ स्टैटिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर, अगर आपके ब्लड प्रेशर के अंदर डिफरेंस आता है एट द एंड ऑफ द ईयर तो आप क्या मानेंगे, इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट द डिफरेंस इन एक्टिविटी कॉज अ डिफरेंस इन द चेंज, या वेदर और नॉट द डिफरेंस वॉज कॉज्ड बाई द डिफरेंस, इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट द डिफरेंस इन द एक्टिविटी कॉज अ डिफरेंस इन द चेंज बिकॉज इट माइट बी अपोजिट, या इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द वे ऑफ द स्टडी इज डन। ये सब आपके कन्फ्यूजिंग वाले पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपका लॉट ऑफ पॉसिबल कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स नहीं है यहाँ पर, एंड यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया ये भी नहीं है, ये भी नहीं है कि वो मींस किसी और चीज़ को लाइक कर रहे हैं, इट माइट बी द अपोजिट कि ब्लड प्रेशर वाले इस चीज़ को लाइक करते हैं, नथिंग, बल्कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिफरेंस आएगा एक्टिविटी में उसकी वजह से ही उनके बीपी के अंदर डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसीलिए स्टडी की गई थी। देखिए ये आपका जस्ट अ मिनट 7th क्वेश्चन, एक मैगजीन है, मैगजीन ने प्रिंट किया है, दिस इज योर 7th क्वेश्चन, एक मैगजीन ने प्रिंट किया एक सर्वे अपने मंथली इशू एंड लर्नर्स को, रीडर्स को पूछा कि भाई वो इसे फिल करें एंड सेंड कर दे, सिर्फ 1000 रीडर्स ने ऐसा किया, तो ये कैसी सैम्पलिंग है? आपने क्या किया है, प्रिंट किया सर्वे मंथली इशू में एंड रीडर्स को सेंड कर दिया, कोई क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, अपने पर्टिकुलर रीडर्स को ये दे रहे हैं, तो ये आपका सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पल होगा। क्लस्टर के अंदर, स्ट्रेटिफाइड के अंदर सबसे पहले हम ग्रुप्स बनाते हैं, ओके, सिंपल रैंडम के अंदर हम लॉटरी मेथड यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को दे दिया वो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पल। Now, which of the following would be most likely to produce selection bias in a survey?
पार्शियलिटी किस चीज़ की वजह से आती है सर्वे के अंदर, क्योंकि आप क्वेश्चंस इस तरीके से यूज़ करें कि भाई बाइस्ड हूँ, सिर्फ आप रिस्पॉन्सेज लें आधे ही लोगों से, इंटरव्यूज़ फ़ोन पर लें, ठीक है, यूजिंग अ रैंडम सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु थिंक द लीगल ड्रिंकिंग एज शुड बी लोवर्ड. तो आप बोल रहे हैं कि भाई हमें विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस सिलेक्शन बायस. आप अगर सिर्फ कुछ ही सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स को लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कि लीगल ड्रिंकिंग एज क्या होनी चाहिए एंड उनके बेसिस पर आप उसको लोअर करते हैं, मीन्स जो सोचते हैं कि हाँ लीगल ड्रिंकिंग एज जो है वो कम हो जानी चाहिए, तो क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ आपकी गलत है. सो डी इज़ द रॉन्ग आंसर. क्वेश्चंस विद बायस्ड वर्डिंग, अगर बायस्ड है तो सभी के लिए बायस्ड वर्डिंग है ना, आपके लिए कैसे बाइज्ड होगी अकेले के लिए? ओनली रिसीविंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीपल इन द सैम्पल, आधे लोगों ने आपको सैम्पल दिया, तो ये बाइज्ड नहीं है, दिस इज़ योर सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पल. अगर आपने कंडक्ट किया इंटरव्यू बाय टेलीफोन इंस्टेड ऑफ इन पर्सन तो भी आप बाइज्ड कैसे हो सकते हैं? टेलीफोन से आपने कंडक्ट किया है, आपने किसी से कुछ पूछा है, तो ये भी सेल्फ सिलेक्टेड सैंपल हो गया. हाउ इट कैन बी योर बायस इन सर्विस? तो सिलेक्शन बायस नहीं होगा. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट कैटेगरिकल? कैटेगरिकल क्या नहीं है? जेंडर आप कैटेगराइज कर सकते हैं, चॉइस, मैरिटल स्टेटस, बट एज कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड. ये डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस से रिलेट करता है. एक पोलिंग एजेंसी ने सर्वे कंडक्ट किया एंड पूछा दैट आर यू विलिंग टू ट्रीट वुमेन पेशेंट्स विद रिसेंटली अप्रूव पिल RU486. तो कंजर्वेशन मार्जिन ऑफ एरर आया है आपका 95%. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना रहा होगा? हु से येस? तो हम सभी को पता है डिफरेंस जितना भी होता है 5 positive 5 negative, तो आपका टोटल कितना आएगा? 10. देन देखिए, इनकम टैक्स इज कलेक्टेड ऑन ऑल इनकम, सिर्फ किसको छोड़ के? एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स रिसीव नहीं होता. 82 देखिए, द इनकम टैक्स एक्ट कब आया आपका? इनकम टैक्स एक्ट आया आपका 1 अप्रैल 1961 को. इनकम टैक्स सभी जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ कहाँ छोड़कर? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, मालदीव्स को छोड़ के, एंडामान एंड निकोबार छोड़ के, या नन ऑफ दी अबव? तो आपका आंसर क्या रहेगा? मालदीव्स, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट हम 1961 की बात कर रहे हैं ना, एंड मालदीव्स इज़ अ डिफरेंट कंट्री. नाउ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स जो है वो चार्ज होता है इनकम पर कौन से ईयर की? प्रीवियस ईयर की इनकम पर चार्ज होता है एंड असेसमेंट ईयर में. मान लीजिए आप 2018-19 का अगर टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप मान लो आज पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्च 31 को पे कर रहे हैं, तो आप पे करेंगे प्रीवियस ईयर का, यानी कि 2017 से 2018 का. देन जो आपका टैक्स पेयर की जो लाइबिलिटी होती है वो डिटरमाइन की जाती है विद रेफरेंस टू हिज और हर किस से? रेजिडेंशियल स्टेटस से. रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है या नहीं है. देन फिर आपका सिटीज़न है और फिर उसके अंदर भी सब कैटेगराइज होती हैं, नॉन सिटीज़न है या नहीं है. ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस की वीडियो के अंदर वी हैव ऑलरेडी डन एंड दिस इज़ नॉट टफ टॉपिक. अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा. एज़ पर द डेफिनेशन ऑफ इनकम, कौन सी इनकम है जो इंक्लूड करती है? सभी आती हैं आपकी, प्रॉफिट गेन, डिविडेंड, वॉलंटरी डिस्ट्रीब्यूशन, सभी आपके आते हैं. जो पीरियड होता है 12 मंथ्स का, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चल रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. प्रीवियस ईयर का मतलब है वो फाइनेंशियल ईयर जो इमीडिएटली प्रेसिडिंग द बताइए कौन सा ईयर होगा आपका? इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर. देन देखिए 89 क्वेश्चन, अंडर इनकम टैक्स एक्ट द इनकम लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगता ही नहीं है. एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है किस से? 78-79 से. आपका आईटी एक्ट कब आया? 2000 वाला, जस्ट अ मिनट, आईटी एक्ट 2000. सो आपका कब आया आईटी एक्ट 2000? अक्टूबर 17 को.
ओके यहाँ पे 2001 लिखा हुआ है इसलिए गलत है, अक्टूबर 17 अक्टूबर 2000 को आपका आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट आया है। कितने स्केड्यूल्स हैं आईटी एक्ट 2000 के अंदर? 4 स्केड्यूल्स हैं। किस एक्ट ने, विच इज़ द एक्ट जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस को? तो ई गवर्नेंस इज रिलेटेड टू योर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कौन सा सेक्शन है आईटी एक्ट का जो डील करता है लीगल रिकॉग्निशन से ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स? तो सेक्शन 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लीगल रिकॉग्निशन से डील करता है। देन कौन सा सेक्शन है आईटी एक्ट का जो कि कंट्रोलर बताता है कि आपको कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को अपॉइंट करना होगा? तो सेक्शन 17। एंड कौन सा सेक्शन है आपका आईटी एक्ट का जो कि हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से रिलेट करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेक्शन नंबर 66। ये तो देखिए लर्निंग है, लर्न करने होंगे। कौन सा एक्स सेक्शन है जो साइबर टेररिज्म से रिलेट करता है? तो साइबर टेररिज्म से रिलेट करता है आपका सेक्शन 66F। सेक्शन 66 किससे रिलेट करता है? आपके हैकिंग से। एंड सेक्शन 66F किससे रिलेट करता है? साइबर टेररिज्म से। कौन सा सेक्शन है जो कि इनवैलिडेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सेक्शन 66A। किस डेट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 66A को इनवैलिडेट घोषित कर दिया था? तो 24 मार्च 2015 को। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड एसेस इन सबको डैमेज किया है अंडर सेक्शन 43? तो 1 करोड़ तक की पेनल्टी है। ओके देन, सो वी हैव कंप्लीटेड अवर मॉक टेस्ट 2। वी हैव डन 100 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।